हेलो फ्यूचर एडवोकेट्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIBE का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में कंप्लीट 30-day स्ट्रेटेजी, जो ना केवल आपकी प्रैक्टिस को और ज्यादा मजबूत करेगा बल्कि आपको एग्जाम निकालने में मदद भी करेगा। तो आइए जल्दी से सब चीजों को समझ लेते हैं। पहली चीज हमें जो देखनी है वो है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन में 3 डेट्स का जिक्र किया है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कि ऑनलाइन या ऑफलाइन होंगी, ऑनलाइन ही होने वाली है। पहली डेट होगी 3 सितंबर, दूसरी डेट होगी 25 अक्टूबर और तीसरी डेट होगी हमारे लिए 24 नवंबर। ठीक है, इन डेट्स को हमें याद रख लेना है, क्योंकि 3 तारीख को हमको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराने शुरू होंगे। हमारे 25 तारीख को क्या होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट बंद हो जाएगी। और 24 तारीख को क्या होगा भाई, 24 तारीख को आपको एग्जाम के लिए अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचना होगा। उससे एक सप्ताह पहले यानी 18 नवंबर को आपके सारे के सारे लोगों के एडमिट कार्ड्स आउट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है, तो इसमें और कुछ देखने के लिए नहीं है। अगर आपको कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं, पर अपना टाइम वेस्ट ना करें और हम आगे बढ़ते हैं इस पर। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरी चीज है वो क्या है, एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई करना। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल है या उनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। तो उसके लिए हम आगे देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की है। वो खुशखबरी क्या है जानते हैं, कि थर्ड ईयर और फिफ्थ ईयर वाले जो भी फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIBE में बैठने के लिए मौका मिलेगा। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आपका फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में होना जरूरी है और कोई बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं। अब जब आप देख ही चुके हैं कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो उनके लिए एक अंडरटेकिंग भी आपसे भराई जाएगी। उस अंडरटेकिंग में बस नाम, गांव, पता और आपके पास में कोई भी आपके प्रीवियस ईयर्स में बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। ये सारी डिटेल्स को भर के सिग्नेचर करके अपना ईमेल आईडी और नंबर डालकर आपको एक नोटरी से नोटराइज कराकर या फिर कहें अटैच कराकर इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पे आपको अटैच करके फाइल को भेज देना है। इतना काम हो गया तो अब आप एलिजिबल भी हो गए हैं, आपने अपना एग्जाम फॉर्म भी भर लिया है। तो आइए देखते हैं आगे। आगे हम इन चीजों को डिक्लेयर करेंगे, यानी डिक्लेयर क्या, हम आपको दिखाएंगे कि ये 30 दिन में कैसे आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। सच बताऊं तो 30 दिन में इस एग्जाम को पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपके लिए ये चीज बहुत इजी है, क्योंकि हम आपको देंगे कंप्लीट स्ट्रेटेजी। उस स्ट्रेटेजी में हम आपको बाइफरकेट कर देंगे कि कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट माइनर है, उन सबको कैसे बैलेंस करके पढ़ना है, उसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अगली स्लाइड में देखते हुए हम देखेंगे पाई चार्ट। इस पाई चार्ट के माध्यम से हम देख पाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है और उन सब्जेक्ट्स में कितने नंबर उनको अलॉट किए गए हैं। उन अलॉटमेंट ऑफ नंबर से हम अपने स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। अब स्ट्रेटेजी अगर बनानी है तो पहले सिलेबस समझना पड़ेगा। इसमें टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं। 19 सब्जेक्ट्स में कुछ सब्जेक्ट्स मेजर हैं, मेजर इन द सेंस जिसमें ज्यादा नंबर हम स्कोर कर सकते हैं, और कुछ माइनर है जिसमें कम नंबर हमें दिए जाएंगे अगर हम उसे सही करते हैं। तो उन चीजों का ब्यौरा आपके सामने दिया हुआ है। पहले की हम इसे अगली स्लाइड में देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सी हमारे लिए उनसे कम इंपॉर्टेंट है नंबर स्कोर करने के लिए। अब स्कोर करने के लिए नंबर, भाई साहब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमने ये पूरा का पूरा आपके लिए बार चार्ट बना दिया है, जिसमें कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC, CRPG, एविडेंस, CPC, फैमिली लॉ, ये सब इंक्लूडेड है। इसमें आपको डेट्स पता चलेंगी कि कितने दिन में आपको वो कंप्लीट करना है। एक चीज हमसे शायद मिस हो गई, उसे हम पिछली स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपको पास होने के लिए 45% नंबर की जरूरत है, 45% नंबर अगर आप OBC या जनरल से बिलोंग करते हैं 45 मार्क्स, और अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% यानी कि 40 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC, CRPC, CPC इसमें कितने नंबर बन रहे, 10 10 10 यानी 30। ठीक है, 30 के बाद इस चीज को आगे देखेंगे कि 30 नंबर तो हमारे 3 सब्जेक्ट से बन गए, 8 8 यानी कि आपके बन गए 16 यानी कि 46 नंबर, और बन गया आपका फैमिली लॉ जो कि 8 46 एंड 8 कितना हो गया आपका 54। तो 54 नंबर अगर आप मार्क करते हैं, उनको हम मेजर सब्जेक्ट्स टर्म करते हैं, तो आप 54 नंबर में तो पास हो ही जाएंगे। ठीक है, तो हमें इन सब्जेक्ट्स पे कोरली इन सब्जेक्ट्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है, जो हमें चुपचाप धीरे से
उस एग्जाम से पार करा दें, क्योंकि पासिंग नंबर कितने भाई 45। अगर आप इन सब्जेक्ट्स पे कमांड रखते हैं अपनी, तो आपके कितने नंबर आएंगे 54, जो कि काफी है आपको पास करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हमें कितने दिन कितने सब्जेक्ट्स को कैसे देके पढ़ना है। अब कितने दिन कितने सब्जेक्ट्स को देना है, मतलब भाई जो मेजर सब्जेक्ट है जिसमें 10 नंबर या 8 नंबर आपको मिल रहे हैं, उसमें हमें देना है 2 दिन। ठीक है, आपके लिए स्पेसिफिकली सीआरपीसी और बीएनएसएस के लिए 3 दिन, और बाकी सब 3-4 सब्जेक्ट्स के लिए 2-2 दिन। ठीक है, तो आपको टोटल 13 दिन देना है मेजर सब्जेक्ट्स को, और बाकी के 17 दिन देने हैं माइनर सब्जेक्ट्स को। इस कड़ी में आगे देखेंगे कि माइनर और मेजर का झोल क्या है। आपको 30 दिन की स्ट्रेटेजी मिली, मेजर सब्जेक्ट्स यानी कि कोर सब्जेक्ट्स बनाए गए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और सीपीसी और फैमिली लॉ है, जिसके लिए आपको दिए गए 13 दिन, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए दिए गए आपको 17 दिन। टोटल दिन कितने बने 30 डेज। ठीक है, और आपको अब इन 30 दिन में कैसे पढ़ना है, आपको पहले 1 घंटे उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, 1 घंटे उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, और फिर अगले 1 घंटे आपको क्या करना है, उससे डाउट क्लियरिंग करनी है। अब डाउट क्लियरेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने गुरुजी यानी टीचर के पास जा सकते हैं, या कोई सीनियर या फिर आपके साथी जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपके डाउट नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो हम भी एक स्पेसिफिकली डिजाइन करिकुलम कोर्स लाए हैं जो ना केवल आपको 1-to-1 डाउट सेशंस भी देगा, बल्कि PYQs और स्ट्रैटेजी वीडियोस और स्ट्रैटेजिकली एग्जाम को कैसे पास करना है, क्रैक करना है, उस बारे में भी बताएगा। उसके बारे में जानकारी आगे है। अब जैसे कि हम पासिंग नंबर तो देख चुके हैं, पासिंग नंबर जनरल और ओबीसी के लिए कितना है भाई 45% और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 40% यानी 40 नंबर, 100 का 40% कितना हुआ 40 नंबर, 100 का 45 नंबर 45% कितना हुआ 45 नंबर। तो 45 नंबर्स आपको पासिंग मार्क्स हैं अगर आप जनरल ओबीसी हैं, और अगर एसटी एससी से हैं तो 40 नंबर। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे चलें। अब इतना तो समझ में आ गया कि भाई डाउट क्लियरिंग क्या करनी है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, पर अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे इन सारे ईमेल्स और इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम 24/7 आपके लिए रेडी एंड विलिंग रहेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो और एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सके। स्पेसिफिकली डिजाइन करिकुलम हम लेकर आए इंडिया में पहली बार, वो भी एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ, आपको सिर्फ ऑनलाइन ₹200 मात्र की फीस पर और ऑफलाइन ₹599 पर। अगर आप इंडिया में कहीं पे भी रहते हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए स्पेसिफिकली हमने ऑनलाइन कोर्स भी बनाया है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट और क्या चाहिए आपको, और डाउट क्लियरिंग और एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस सब आपको मिलेगी मात्र ₹200 की ऑनलाइन और ₹599 की ऑफलाइन प्राइस पर। तो देर किस बात की है दोस्तों, जल्द से जल्द ज्वाइन करें, एनरोल करें और का हिस्सा बने।